नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजे और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बल्दीराय तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत दुर्गापुर उसरा में एक दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य बद्रीनाथ यादव ने फीता काट कर किया। बद्रीनाथ यादव ने बताया कि खेल से शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक विकास होता है। वहीं यादव ने बताया कि मैं भी वॉलीबॉल प्लेयर रहा हूं, इसलिए खेल की अहमियत मैं बखूबी जानता हूं। और उन्होंने कहा कि खेल से भाईचारा, प्रेम एकता बढ़ती है, खेल को खेल की भावना से देखना चाहिए। यादव ने अपने संबोधन में खिलाड़ियों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। प्रतियोगिता का आयोजन सलमान के द्वारा किया गया। आयोजक ने बताया कि खेल पूरी ईमानदारी के साथ खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में क्षेत्र की दर्जनों टीमों ने प्रतिभाग किया। यादव ने खिलाड़ियों को कहा, इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए, मैं आप सभी के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। इस मौके पर क्षेत्र के खिलाड़ी, दर्शक, पत्रकार राहुल दुबे, राजदेव यादव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। हरियाबाद के बीच खेला जा रहा है। टीम दोनों बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इसमें अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। हरियाबाद के भी अच्छे हैं और सदुल्लापुर के भी अच्छे हैं। ये हमारे बहुत ही नजदीकी हैं। मैं इस क्षेत्र से आप सबके आशीर्वाद से दो बार जिला पंचायत सदस्य रहा। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं एक प्लेयर होने के नाते मैं ये स्पोर्ट स्टेट लेवल तक क्लियर रहा। मैं आप सब खिलाड़ियों का सब स्वागत और वंदन करता हूं और सभी खिलाड़ियों का मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं स्टेट लेवल का प्लेयर होने के नाते मैं आप सब की मजबूरी और हर चीज आप सब से चित प्रचित हूं। अभ्यास करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है और बहुत ही कड़ी मेहनत परिश्रम करना पड़ता है। और मैं आप सब को आप सबके आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।